मैं शांतनु राय आप लोगों को हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और करंट की क्लासेस दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे और उपयोगी ज्ञान से रूबरू कराऊंगा। तो आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और आज शुरुआत करते हैं इतिहास के उस टॉपिक से जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। सबसे पहले हम इसमें इस बात की चर्चा करेंगे कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था और 1857 का के विद्रोह का स्वरूप क्या था। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। कारणों में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला कारण जो मिलता है वो कारण है राजनीतिक कारण। जो इसका अगला कारण है वो इसका कारण है सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। और इसका जो अगला कारण है वो है धार्मिक कारण। अगले कारण पर अगर ध्यान दें तो 1857 के विद्रोह का जो अगला कारण है उसका अगला कारण है आर्थिक कारण। अन्य कारण पर अगर ध्यान दें तो इसका अन्य कारण है सैन्य कारण और अगला कारण है तात्कालिक कारण। हम एक एक कारणों पर चर्चा करेंगे। जो राजनीतिक कारण है, इस राजनीतिक कारण में जो महत्वपूर्ण कारण है वो है व्यापकत के सिद्धांत। व्यापकत के सिद्धांत, सहायक संधि, सहायक संधि, पेंशनों का अंत, पेंशनों का अंत, अवध का विलय आदि। तो 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख राजनीतिक कारण थे वह थे व्यापकत के सिद्धांत। व्यापकत का सिद्धांत वह सिद्धांत था जिस सिद्धांत के माध्यम से वैसे राजा जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनके मृत्यु के पश्चात उनके राज्य को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ऐसे राज्यों में सतारा, जयपुर, संभलपुर ये सारे राज्य आते थे। ब्रिटिशों के इस राजनीतिक कारण से भी ये राजा उनसे आक्रोश में थे, एक कारण ये भी है। सहायक संधि, ब्रिटिशों ने जिन जिन राज्यों के साथ, जिन जिन राज्यों के राजाओं के साथ सहायक संधि की, उस सहायक संधि के माध्यम से उन राजाओं को अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश अपने नियंत्रण में ले ली। सहायक संधि के माध्यम से सहायक संधि करने वाले राज्यों को अपने राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। उन राज्यों को किसी भी व्यापारी कंपनी के साथ व्यापार करने से पहले ब्रिटिशों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये सहायक संधि करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में भी ब्रिटिश हस्तक्षेप करते थे। और इस प्रकार से एक तरीके से सहायक संधि करने वाले राज्य जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजोर, अवध, पेशवा, ये जो राज्य थे, ये राज्य के जो राजा थे, इस संधि करने के पश्चात वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ब्रिटिशों से क्षुब्ध थे, एक कारण ये था। पेंशनों का, ब्रिटिशों ने जो भी पेंशनर्स थे जैसे नाना साहब आदि लोग, इन लोगों के पेंशनों को समाप्त कर दिया जिसके वजह से ये लोग भी ब्रिटिशों से नाराज थे। और एक प्रमुख कारण अवध का विलय। कुशासन के आधार पर ब्रिटिशों ने अवध का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया, जो एक प्रमुख राजनीतिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह के कारण में, राजनीतिक कारण में ये महत्वपूर्ण कारण थे, अन्य कारण भी थे चर्चा करें। अगला कारण था सामाजिक कारण। ब्रिटिशों ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सती प्रथा जैसी कुप्रथा को समाप्त किया, परंतु तत्कालीन समाज में सती प्रथा को अच्छी प्रथा माना जाता था। तो उस समय के समाज में लोगों को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और सती प्रथा को समाप्त किए, इस वजह से भी एक विद्रोह का कारण बना। अगला, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। विधवा विवाह
को प्रोत्साहन, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के कारण भी ब्रिटिशों के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई और यह भी एक प्रमुख कारण था। ब्रिटिशों ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाई, ब्रिटिशों ने शिशु हत्या पर पाबंदी लगाई। ये सब तत्कालीन समाज में उस समय के लोगों को यह लगा कि ब्रिटिश हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ विद्रोह का एक प्रमुख कारण सामाजिक कारण भी हुआ। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण में प्रमुख कारण था एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम का पारित किया जाना, धार्मिक अयोग्यता का पारित किया जाना, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम को जब पारित किया गया, इसमें ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले लोगों को उनके पिता के द्वारा अपनी संपत्ति से वंचित किया जा रहा था, जिससे बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को नहीं अपना रहे थे। ब्रिटिशों ने अधिनियम बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसके पिता उसको अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भारत में ब्रिटिशों ने कदम उठाए। ये एक प्रमुख कारण था धार्मिक कारण में। ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कराया गया ब्रिटिशों के द्वारा। आर्थिक कारण में ब्रिटिशों की भू राजस्व नीति, ब्रिटिशों की भू राजस्व नीति और उनकी औद्योगिक नीति, और उनकी औद्योगिक नीति कारगर रही। ब्रिटिशों की भू राजस्व नीति और औद्योगिक नीति ने भारत को एक उपनिवेश बनाकर छोड़ दिया, या ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक उपनिवेश बनाकर छोड़ दिया। ब्रिटिशों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर भू राजस्व की दरों में परिवर्तन किया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भू राजस्व का निर्धारण किया, जैसे अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था, यह तीनों नाम एक ही व्यवस्था से संबंधित है, जमींदारी व्यवस्था इसी संबंधित है। उसके बाद उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की। जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के समय कच्चे माल और पूंजी की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। तो ब्रिटिशों की आर्थिक नीति ने, खासकर इनकी भू राजस्व और औद्योगिक नीति ने भारत को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाकर छोड़ दिया। इस प्रकार से ब्रिटिशों के आर्थिक कारणों ने भी इस विद्रोह को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। सैन्य कारण, 1857 के विद्रोह का जो सैन्य कारण था वह था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट का पारित होना। ब्रिटिशों ने जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया और इस एक्ट के माध्यम से भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया, जिसके विरोध में सैनिकों ने कदम उठाए। अगला, भारतीय सैनिकों के साथ नस्लवाद के आधार पर भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को सर्वोच्च पद पर नहीं नियुक्ति दी जाती थी, उनके वेतन भी कम थे और उनके साथ यह भेदभाव किया जाता था, जो एक सैन्य कारण है 1857 का विद्रोह का। छात्रों, 1857 का विद्रोह का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है तात्कालिक कारण, और यह है तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ब्रिटिशों ने अपनी पुरानी ब्राउन वैस बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया, और इस राइफल में जो कारतूस भरे जाते थे उस कारतूस के मुंह पे लगे हुए डिब्बे को काट कर निकालना पड़ता था, और यह अफवाह फैल गई कि उस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। अतः भारतीय सैनिकों ने इस
कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया और यह 1857 के विद्रोह का तत्कालीन हुआ विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का यह एक कारण है जिसमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालीन कारण प्रमुख थे। तो ये 1857 के विद्रोह थे। अब हम चर्चा करेंगे कि 1857 के विद्रोह का जो परिणाम हुआ वह परिणाम क्या हुआ, आइए इस पर चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, इसके पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण क्या था। तो असफलता के कारणों पर 1857 विद्रोह के असफलता के कारण को अगर हम देखते हैं तो इसमें कई कारण सामने आते हैं। एक कारण है नेतृत्व का अभाव या विद्रोह जो हुआ इसके नेतृत्व का अभाव। अगला इसका कारण था कि यह विद्रोह समय से पहले हो गया। उसके पश्चात असफलता का अगला कारण है कि इस विद्रोह को बुद्धिजीवियों और छात्राओं का समर्थन नहीं मिला। अगला जो कारण है कि ब्रिटिशों के प्रशिक्षित सैनिकों के सामने हम टिक नहीं पाए। और अगला जो असफलता कारण था कि कुछ भारतीय राजाओं के द्वारा ब्रिटिशों को सहयोग दिया गया। यह कारण है, कुछ कारण है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण कि विद्रोह नेतृत्व का अभाव था इसलिए असफल हुआ, समय से पहले विद्रोह हो गया इसलिए असफल रहा, भारत के सभी क्षेत्रों में विद्रोह एक साथ नहीं हुआ इसलिए भी असफल हुआ, इसमें बुद्धिजीवियों और छात्रों ने सहयोग नहीं किया इसलिए भी असफल रहा, और ब्रिटिश प्रशिक्षित सेना के आगे भारतीय सैनिक जो थे वो या भारतीय लोग जो थे उनका सामना नहीं कर पाए, और भारत के कुछ राजाओं के द्वारा ब्रिटिशों को सहयोग दिया गया जिसके वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा। अब चर्चा करते हैं 1857 के विद्रोह का के परिणाम पर। 1857 के विद्रोह का जो परिणाम हुआ वह यह हुआ कि 1858 का एक्ट पारित हुआ। एक 1858 का एक्ट आया और इस 1858 के एक्ट के माध्यम से भारतीय क्षेत्र के प्रशासन पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर भारत में शासन करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। 1858 का एक्ट जब आया कंपनी के शासन का एक अधिकार समाप्त हुआ। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और अब भारत में शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाने लगा। इसके पश्चात एक अधिनियम पारित किया गया और उसके द्वारा भारतीय सिविल सेवा की बात की गई। कहा गया कि अब योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन में एक भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और वो भारत सचिव के पद के सृजन को करने के पश्चात उसके साथ 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मनोनीत होने थे। महारानी ने घोषणा की कि जो भी राजाओं के अधिकार है पूर्ववत अधिकार फिर से बना दिए जाएंगे, बहाल कर दिए जाएंगे। उन्होंने राजाओं को यह विश्वास दिलाया कि आपके सम्मान को पुनः वापस किया जाएगा, आपके साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं पूर्ववत वैसे ही बनी रहेंगी। और इस प्रकार इस एक्ट के माध्यम से
गवर्नर जनरल को वायसराय बनाने के पश्चात प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है और ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा भारत के अधिग्रहण की घोषणा कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में की। ये 1857 के परिणाम हुए। थैंक यू, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ।